पर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। कारण है कि भाजपा डर के मारे चुनाव से भाग रही है, निगम चुनाव से। लोकतंत्र की हत्या का ये पहला ऐसा प्रयास है आजादी के बाद जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, जिन गुरुओं ने धर्म को बचाने के लिए शहादत दी आज यही भाजपा उनको खालिस्तानी कहती है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले अरविंद केजरीवाल जी ने जितने अच्छे काम दिल्ली में किया हुआ है, इसका जो रोल मॉडल है पूरे भारत के अंदर माना जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर। और आपको बता दें, यहाँ पर हजारों की तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और आज ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यालय है उसका घेराव करने वाले हैं। आपको बता दें कि अभी जैसे कि दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने वाले थे, परंतु चुनावों को पोस्टपोन कर दिया गया है, टाल दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तीनों नगर निगमों को एक करके एमसीडी में एक ही नगर निगम बनाई जाएगी, यानी पूरी दिल्ली में तीन की जगह सिर्फ एक मेयर होगा। तो जिसको लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर रुख पे सामने आई है। जिस दिन से चुनावों को टाला गया है उस दिन से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। यही आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति के बीच में इस वक्त दिल्ली फंसी हुई है, क्योंकि इन आरोपों का जवाब भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्मृति ईरानी ने दिया था, जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया था। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को नसीहत दी थी कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति ना की जाए, परंतु आज आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इनका यहाँ पर जमावड़ा देख के लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता दिल्ली में मौजूद हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा रोष है और गुस्सा है इसी बात को लेकर। और आज इतने भारी तादाद में सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इनका एक ही कहना है कि जल्द से जल्द एमसीडी के चुनाव कराए जाए, जो तीनों नगर निगमों के चुनाव है वो जल्द से जल्द कराए जाए, ताकि दिल्ली की जनता को भी, जो एमसीडी में बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने भी तमाम आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी ने करप्शन किया था एमसीडी में, तो क्या आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, इन्हीं लोगों के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है और क्या मूल उद्देश्य है आज के प्रदर्शन का। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और मूल उद्देश्य जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम राजीव गोयल है। मैं आज यहाँ पर इतने सारे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, क्या मुख्य कारण है? सर, आज यहाँ पर पूरी दिल्ली भर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। कारण है कि भाजपा डर के मारे चुनाव से भाग रही है, निगम चुनाव से। लोकतंत्र की हत्या का ये पहला ऐसा प्रयास है आज़ादी के बाद जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिया था, संविधान इसलिए लिखा गया था कि लोकतंत्र को बचाया जा सके। आज़ादी के बाद से पहला ऐसा मौका है, आपातकालीन सिचुएशन के अलावा कभी भी चुनाव टाले नहीं गए। ये पहला ऐसा मौका है जबकि अजीबोगरीब परिस्थिति में चुनाव आयुक्त ने जिस दिन चुनाव की घोषणा करनी थी आधे घंटे पहले, बड़े ही बचकानी कारण बताते हुए इस चुनाव को टालने की कोशिश की। उनके ऊपर क्या ईडी का दबाव है, क्या सीबीआई का दबाव है, क्या पीएमओ की तरफ से फाइल बनाई गई है, कोई इस बात को बताने के लिए तैयार नहीं है उनका। अगर चुनाव अगर बाद में होते हैं तो ये तो अच्छी बात है कि और तैयारियों का मौका भी मिल जाएगा आम आदमी पार्टी को। सर, आम आदमी पार्टी को तैयारियां पूरी तरह से तैयार है। 5 साल में उनके निगम पार्षदों ने, जिन्हें वो नया चेहरा नई उड़ान कह के लेके आए थे, उन्होंने पूरे दिल्ली भर को कूड़ा कूड़ा कराया। भ्रष्टाचार, 18,000 करोड़ रुपये का जो उनका बजट है वो सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। नजायज लैंडरों पर पैसा थाना, रेडी पटरी वालों के चलान काटना, मनमानी तरीके से पैसे को लूटना, इसके अलावा निगम पार्षदों ने कोई काम नहीं किया। ये भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जानता है। उनका इंटरनल सर्वे भी उन्हें बताता है कि 250 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। सर, अब हम जो कयास लगाए जा रहे हैं 5 से 6 महीने बाद चुनाव होंगे, तो आम आदमी पार्टी का इस बार क्या रुख जनता का बनता हुआ नजर आ रहा है? सर, आम आदमी पार्टी लोगों के दिल में बस चुकी है। इसका जो परिमाण है वो आप देख सकते हैं कि पंजाब के अंदर एक मुश्त हमारी सरकार आई है। ये पहली ऐसी पार्टी बनी है जिसने कि क्लीन स्वीप किया है हिंदुस्तान की 2 स्टेट में। मात्र 9 सालों के अंदर 2 राज्यों के अंदर पूर्ण सरकार बनाना, वो भी आम आदमी पार्टी आम आदमी की ताकत से बनाना। एक मोबाइल रिपेयर करने वाला व्यक्ति बड़े बड़े दिग्गजों को हरा रहा है। ये हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव है, ये विकास का बदलाव है, इस बदलाव को रोका नहीं जा सकता। जो पंजाब में चुनावों के नतीजे आए हैं इसको लेकर दिल्ली में क्या एक और परिवर्तन की लहर दौड़ेगी कि आम आदमी पार्टी ने जिस हिसाब से पंजाब को जीता है उसे दिल्ली पर असर पड़ेगा? सर, दिल्ली के अंदर आसपास के, चाहे वो पंजाब से हो, हरियाणा से हो, यूपी के हो, मैक्सिमम लोगों के कनेक्शन दिल्ली में है, क्योंकि वहीं का व्यक्ति प्रवासी के तौर पर यहाँ पर आके रह रहा है। दिल्ली सबकी मिलीजुली हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करती है। दिल्ली तो हर जगह की जड़ें दिल्ली में है। पंजाब के अंदर जो पंजाबियों ने प्यार दिया, जो सिख भाइयों ने प्यार दिया अरविंद केजरीवाल जी को, उसका कतरा कतरा चुकाया जाएगा। 5 साल में पंजाब से बेहतरीन राज्य हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं होगा।
भाजपा जी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, जिन गुरुओं ने धर्म को बचाने के लिए शहादत दी, आज यही भाजपा उनको खालिस्तानी कहती है। और भाजपा अपने चार राज्यों में जीत की खुशी से इतना खुश नहीं है जितना दुखी वो पंजाब की आम पार्टी की जीत से दुखी हो रही है। तो उसको पूरा पता लग चुका है कि हम धरातल पर कहीं नहीं है, और कहने को मोदी जी का नेतृत्व सक्षम है, मजबूत है, लेकिन वो अपने निगम पार्षदों को काबू नहीं कर पाए कि भ्रष्टाचार में उनको काबू लाते और निगम चुनाव समय पर होते। ये उनकी बुखलाहट है, हताशा है, लोकतंत्र की हत्या है। इसके लिए आज सब यहाँ पे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। इसमें भी इन्होंने देखो शांतिपूर्वक प्रदर्शन के बावजूद भी कितने पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है, अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं, ये सरासर हताशा दिख रही है। और जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं उनकी एक दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या कारण था कि 5 मिनट पहले उनके पास एक चिट्ठी आती है गृह मंत्रालय से और कह देता है कि चुनाव अभी नहीं करा सकते, टाला जा रहे हैं। लोकतंत्र की सरासर हत्या है। सर, आप एमसीडी को एक करने के समर्थन में या विरोध में? देखिए, अगर एमसीडी का चुनाव समय पे हो जाए उसके बाद भी एक हो सकती है। ये सरासर इनकी हताशा है, टालने के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं, और बहाने जनता के बीच में नहीं चलेंगे। जनता काम चाहती है, काम की राजनीति चाहती है, दिल्ली में देख चुकी है। पिछली बार नई ऊर्जा नई उड़ान करके लाए थे, आज नया चेहरा नई मुस्कान लेकर आ रहे हैं। पहले इन्होंने 5 साल पहले 2017 में सारे निगम पार्षदों की टिकटें काटी कि भाई सब भ्रष्ट हैं। आज जो नए आए उनका भी भ्रष्टाचार नहीं रोक पाए, तो कहीं ना कहीं इनके शीर्ष नेतृत्व में भी कमी है जो ये भ्रष्टाचार को नहीं रोक पा रहे हैं। परिसीमन जी बात आ रही है सामने कि जो भी सीट है उनका फेरबदल किया जाएगा, एक विधानसभा में केवल 2 ही निगम की सीटें होंगी, ऐसी खबरें सामने आ रही है। इस पर आपके क्या विचार है? आम आदमी पार्टी के लिए फायदा होगा नुकसान? आम आदमी पार्टी हर परिस्थिति में और हर युद्ध के लिए, हर लड़ाई के लिए, जनता के बीच में हर परिस्थिति के लिए सक्षम है। ये 2 कर दे, 1 कर दे, 4 कर दे, जनता मन बना चुकी है। ये इंटरनल सर्वे भाजपा का भी कह रहा है, ऊपर के शीर्ष नेतृत्व ने रुकवाई है ये, और लगभग 250 सीटें जीत रही थी आम पार्टी सर्वे के अनुसार, अब 260 जीतेगी। और जहां भी आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की लहर नहीं सुनामी चलती है, तो वो सुनामी दिल्ली एमसीडी में भी अब आएगी। सर, क्या लग रहा है इस बार जो यहां पर हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, इनके जो यहां पर इतने क्या उत्साह है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यालय घिराव करने वाले हैं, क्या सुनेगी भाजपा आपकी बात? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी पहले अरविंद केजरीवाल जी ने जितने अच्छे काम दिल्ली में किया हुआ है, इसका जो रोल मॉडल है पूरे भारत के अंदर माना जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात है कि भाई अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं सुनती है, ना सुने कोई बात नहीं, लेकिन भारत की जनता जरूर सुनती है। भारत की जनता चाहती है कि भाई बदलाव लाना, और बदलाव लाएगी सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसा है जो कि जो राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार मचा हुआ है, अन्य पार्टियों ने मचाया हुआ है, उस भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है, और सही राजनीति राजनीति के अंदर जो नीतियाँ हैं, सही सकारात्मक नीतियाँ, उसकी परिभाषा बता दी गई है। उसकी परिभाषा यही है कि देश का विकास बिना किसी भेदभाव से, ना कोई हिंदू मुसलमान है, ना कोई कुछ और है, सब देश का विकास है। एजुकेशन देना, अपनी हेल्थ देना है, और अलग अलग जगह पर जाकर के देश के लोगों के लिए काम करना है बिना किसी भेदभाव के। सर, ये जो चुनाव टल, ये देखिए, ये इसको बोलते हैं तानाशाही। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने मान लिया है कि भी मैं अगर किसी से डरता हूँ तो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से डरता हूँ। अगर वो नहीं डरते तो चुनाव को सही समय में, जब सही समय आया हुआ है चुनाव का, तो क्यों पिछा रहे हैं? क्योंकि एमसीडी के अंदर इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है, इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है, एमसीडी के भ्रष्टाचार के गंध को खत्म करने के लिए आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी आए हुए हैं, उसको खत्म करेंगे। थैंक यू। आम आदमी पार्टी कुछ और कार्यकर्ता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और बात करते हैं मैम प्रदर्शन का मुख्य कारण बता दीजिए। ये 5 साल बाद इलेक्शन होने थे एमसीडी के, जो इन्होंने होने नहीं दे रहे हैं। हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट उठा रहे हैं कि इलेक्शन होने दीजिए। मैम, इलेक्शन बताया जा रहा है कि कुछ महीनों के लिए टाले गए, एकीकरण के बाद दोबारा किए जाएंगे। अभी इन्होंने कोई फिक्स डेट नहीं दिया है। आयोग ने बोला है कि एकीकरण जो है, अगर इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद भी हो सकता है। आप एक चीज को समझिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उस पर हमें गर्व है, क्योंकि यहाँ पे जनता की चुनी हुई सरकार जो है वो शासन करती है। भारत में हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है भाजपा के पास कि भाजपा एमसीडी का चुनाव नहीं होने देना चाह रही? मैं आपको एक बात बता दूं, 15 साल में इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है, दिल्ली को नर्क बना दिया है, दिल्ली के माथे में कूड़े के पहाड़ बना दिया है। इनको मालूम है कि अगर अब चुनाव हो गए तो इनका सुपड़ा साफ है। जैसे विधानसभा के चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ था, निगम के चुनाव में भी इनका सुपड़ा साफ है।
ये सिर्फ टाइम किल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अच्छा मैं एक चीज़ बताता हूँ, आज दिल्ली के चुनाव रोक रहे हैं, कल को किसी और राज्य के रोक देंगे, बोलेंगे कि दो विधानसभा को मर्ज करना है, दो लोकसभा को मर्ज करना है, फिर भी वो अपना लोकसभा के चुनाव रोक देंगे। भैया भारत लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतंत्र को बचाने की यहाँ पर लड़ाई हो रही है। मैं तो चाहूँगा आप मीडिया क्या सबको यहाँ पर आना चाहिए इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। धन्यवाद। बात कही जा रही है कि परिसीमन करने में समय लगेगा, ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा। आपने इलेक्शन कमीशन की पीसी सुनी थी, उन्होंने क्या बोला था, हम अनाउंस कर रहे थे, हमें 4 बजे फोन आया कि अभी रुक जाओ गृह मंत्रालय से। शर्म आनी चाहिए उनको, पहले ऐसे इलेक्शन कमीशन को शर्म आनी चाहिए कि ये गृह मंत्रालय, खुद उनकी वर्डिंग है कि मई में उनको चुनाव करवाने हैं, उनको जल्द से जल्द चुनाव का ऐलान करना चाहिए, दिल्ली में चुनाव चलाने चाहिए। और जो एक दिल्ली भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है उसके ऊपर सबका विश्वास है, मैं चाहता हूँ कि चुनाव आयोग भी जो है वो अपना काम ढंग से करे और किसी के दबाव में ना आए। सर आज यहाँ पर आप लोग इकट्ठे हुए हैं, बताया जा रहा है कि जैसे भाजपा ने चुनाव रोक दिया है ऐसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं, पर चुनाव तो 5 महीने बाद हो ही जाएगा। चुनाव जो टाला बीजेपी डर के मारे टाल रही है, और हमें पता है कि हम केजरीवाल सरकार एमसीडी में पूर्ण बहुमत के साथ जीत चुकी है, जिसके कारण से डर के हमारे अपना चुनाव टाल रहे हैं, और नहीं टालते तो एमसीडी बिल्कुल एक तरफ से बीजेपी हार चुकी है। तो जो चुनाव टाले गए हैं क्या इससे कुछ ऐसा होगा कि आने वाले जैसे 5 महीनों बाद चुनाव होंगे तो भाजपा की कुछ सीटें बढ़ेंगी क्या उसमें? नहीं, भाजपा की सीटें अब और भी खत्म हो जाएंगी, जो सीट आनी थी चुनाव टालने से और बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। भाजपा कहीं ना कहीं सेल्फ बोल कर गई, आम आदमी पार्टी का भला होगा इस चीज़ की? नहीं भला तो होगा, मगर ये टालने की जरूरत क्या है, जब आपको पता भारी रोड टाल की रहे हो, चुनाव करा के देख लो, कल करा लो, 6 महीने बाद करो, चुनाव तो 6 महीने बाद भी होने ना, अब लोकतंत्र में संविधान का तो हत्या ही एक तरह से। सर जो परिसीमन होगा सीटों का, इसके आप वो सपोर्ट में है या इसके खिलाफ है? नहीं नहीं, अब परिसीमन जो एक बार हो चुका, जो खर्चा हो चुका है, हर चीज़ का खर्चा हो चुका ना, चुनाव आयोग ने जो खर्चा करना था बेंच से लेकर स्कूल को, हर चीज़ में खर्चा हो चुका, द्वारा खर्चा कर, फिर कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, इस तरीके से तो महंगाई बढ़ रही है हमारी। तो आपने यहाँ पर देखा जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, हमने कई लोगों से बात भी करी, और जो मुख्य वजह सामने आई है वो यही है कि अभी जैसे चुनाव की जो घोषणा थी वो रोक दी गई थी चुनाव आयोग द्वारा, तो इस चीज़ को लेकर ये लोग लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। हालांकि इन तमाम आरोपों को भारतीय जनता पार्टी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खारिज कर दिया था, परंतु आज ये सब लोग यहाँ पर भाजपा कार्यालय के बाहर घिराव करने के लिए बैठे हुए हैं, और इन सबके विचार भी आप लोगों ने जाने सुने और समझे। अब एमसीडी चुनावों में क्या होगा ये तो दिल्ली की जनता ही तय करेगी, चाहे चुनाव अभी हो या चुनाव 6 महीने बाद हो, जो परिणाम अभी होगा वही 6 महीने बाद भी होगा। परिसमन से भी हो सकता है कुछ सीटों का फर्क आए, परंतु भारी मात्रा में सीटों का फर्क आना शायद ही ऐसा हो, क्योंकि दिल्ली की जनता जब मूड बना लेती है तो उसी पार्टी के साथ खड़ी हो जाती है, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो। और आप लोगों के क्या विचार है, आपने इनके विचार सुने जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे, आप लोगों को क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है या गलत है, और इसके अलावा आप लोग आने वाले निगम के चुनावों में किसकी सरकार देखना चाहेंगे, ये सारी बातें आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी कोई भी अपडेट आप मिस ना करें उसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, और हर दिल्ली वाले तक पहुँचाने के लिए हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर करें। कैमरा पर्सन खुशी के साथ मैं आयुष शर्मा, और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।